यूके स्टूडेंट वीज़ा मई 2023 इनटेक में अप्लाई करने के चाहवान स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़। रेग्जम ग्लेंडर यूनिवर्सिटी ने अपने मास्टर्स प्रोग्राम ओपन कर दिए हैं मई जून 2023 इनटेक के लिए। उसकी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी ट्यूशन फीस आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, मैं प्रोफेसर रोहित गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ स्पेक्ट्रम ओवरसीज जलंधर। लगातार स्टडी वीज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यूके का स्टडी वीज़ा स्पेक्ट्रम ओवरसीज के साथ अप्लाई करते हुए आपको ऑप्शन मिलता है ऑल फीस आफ्टर वीज़ा का। दोस्तों, रेग्जम ग्लेंडर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो रेग्जम ग्लेंडर यूनिवर्सिटी जो कि रेग्जम सिटी में एस्टेब्लिश्ड है, दिस रेग्जम सिटी इज़ ओनली 1 आवर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेमस सिटी दैट इज़ बर्मिंगम ऑफ यूके। सो मैनचेस्टर के भी ये पास ही पड़ती है रेग्जम सिटी। सो मैनचेस्टर में जिनके रिश्तेदार हैं, जो बर्मिंगम में जाना चाहते हैं स्टूडेंट, वो इस यूनिवर्सिटी का चुनाव कर सकते हैं। नाउ बात करें इसके कोर्सेज के बारे में। मई जून 2023 इनटेक के लिए कोर्सेज ओपन हो गए हैं, जो MBA और MSc मैनेजमेंट, ये दो कोर्सेज अवेलेबल हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स में अवेलेबल हैं ये दोनों कोर्सेज। जैसे कि MBA कोर्सेज जनरल MBA अवेलेबल, देन बिग डाटा एनालिटिक्स की स्पेशलाइजेशन के साथ, देन हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ, एंड दो तीन और ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। ये जो दोनों कोर्स हैं, ये डिफरेंट लेवल्स पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि MBA जो कोर्स है, MBA कोर्स, देन MBA विद एडवांस स्टडीज, देन MVA विद प्री मास्टर्स। इसी तरह MSc मैनेजमेंट, MSc मैनेजमेंट विद एडवांस स्टडीज, MSc मैनेजमेंट विद प्री मास्टर्स। तो ये कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। इनमें क्या फर्क है, ये हम आगे इस वीडियो में समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो MBA कोर्स है, जो MBA कोर्स की जो ड्यूरेशन है, दैट इज़ 1 ईयर, एंड अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप बैचलर पास आउट होने चाहिए। अगर आपने 3 ईयर बैचलर कंप्लीट की है तो उसमें 60% का स्कोर रिक्वायर्ड है। अगर आपने 4 ईयर बैचलर कंप्लीट की है तो 55% का स्कोर रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो MBA में एडमिशन लेने के लिए आपको 6 बैंड विद नो लेस देन 5.5 बैंड्स के साथ आपका एडमिशन हो जाएगा। TOEFL में 79 का स्कोर एंड PTE में ओवरऑल 54 विद नॉट लेस देन 51 इन ईच मॉड्यूल के साथ आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और ख़ास बात इस यूनिवर्सिटी की, ये उन कुछ एक चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है ये यूनिवर्सिटी जो पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट्स को भी IELTS वेवर दे रही है। सो पंजाब एंड हरियाणा स्टूडेंट्स या अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ ये है, अगर आपके +2 इंग्लिश में 70% मार्क्स हैं और 70% इंग्लिश में मार्क्स हैं तो आप विदाउट एनी IELTS, TOEFL या PTE के इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का गैप एक्सेप्टेबल है दोनों कोर्सेज में, दैट इज़ 2018 पास आउट स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद प्रॉपर गैप जस्टिफिकेशन के साथ इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ MBA विद प्री मास्टर्स के बारे में बात करूं तो इसमें फ़र्क क्या आएगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फ़र्क आएगा एंड इसमें फ़र्क आएगा ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन 20 मंथ्स की हो जाएगी, जो MBA 12 मंथ्स की थी वो अब MBA विद प्री मास्टर्स 20 मंथ्स की हो गई। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या डिफरेंस आएगा, अब आप बैचलर्स में अगर आपके 3 ईयर बैचलर में 55% मार्क्स हैं, 4 ईयर बैचलर्स अगर आपने की हुई है उसमें 50% मार्क्स भी हैं तो आप MBA विद प्री मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में क्या फ़र्क आएगा, नाउ IELTS में 5.5 विद 5.5 इन ईच मॉड्यूल के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। PTE में 44 विद नॉट लेस देन 41 इन ईच मॉड्यूल एंड TOEFL में 60 के स्कोर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। MBA विद प्री मास्टर्स में भी आपको वेवर मिल जाएगा। वेवर क्या मिलेगा, अगर आपके +2 इंग्लिश में 60% मार्क्स हैं इंक्लूडिंग पंजाब एंड हरियाणा स्टेट बोर्ड से भी आपने +2 की हो तो आप MBA विद प्री मास्टर्स में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नाउ MVA विद एडवांस्ड प्रैक्टिस एडवांस टेक्नोलॉजी,
उसका ड्यूरेशन 12 मंथ से अगेन 20 मंथ्स का हो जाता है, और उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो वही रहती हैं जो वो MBA सिंपल की थी। तो दैट मींस इसमें सिर्फ MBA और MBA विद एडवांस्ड प्रैक्टिस में सिर्फ ड्यूरेशन का ही फ़र्क पड़ेगा। नाउ आगे बात करें तो इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है। पहले आपका ऑफर लेटर आता है, £1,000 का आपको डिपॉजिट पे करना पड़ेगा, और उसके बाद इंटरव्यू हो रही है। अभी शुरू में मेरी टिप आप स्टूडेंट्स के लिए ये है, शुरू में ही आप इसका इंटेक को अप्लाई कर लें। पहले इंटरव्यू क्लियर करना काफ़ी आसान रहता है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के पास बढ़ जाते हैं तब इंटरव्यू क्लियर करना भी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कैश में भी देरी होती है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डेफरमेंट का इसलिए सामना करना पड़ता है। सो अप्लाई अर्ली इज द की टू गेट द टू क्लियर द इंटरव्यू एंड गेट द कैश ऑन टाइम, राइट। और एग्जाम ग्लेंडर यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपकी कोई और क्वेरी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, हम एग्जाम ग्लेंडर यूनिवर्सिटी की और भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे। हमने पहले भी एग्जाम ग्लेंडर यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे अपडेट्स आपको शेयर किए, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।